आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2021 की। ये रिपोर्ट निकालता है UNODC, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। ये यूनाइटेड नेशन का ही एक थिंक टैंक है। अभी के लिए इनकी डायरेक्टर जनरल हैं घादा वेली, ये इजिप्ट की हैं। 1 फरवरी 2020 से ये इस पद पर हैं। सी होल्ड द रैंक ऑन अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन। UNODC की स्थापना यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस डिवीजन के अंतर्गत की गई है। इसके अलावा UNOCD के मुख्य उद्देश्य इफेक्टिवली फाइटिंग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ड्रग ट्रैफिकिंग इन पर्टिकुलर, कैपेसिटी बिल्डिंग, रीजनल एंड इंटर रीजनल कोऑपरेशन, ड्रग रिसर्च, इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रिटी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम का हेडक्वार्टर। तो ये है अपना इंडिया और यहाँ से हमें चलना होगा यूरोप की ओर। हम इधर जाएंगे वियना ऑस्ट्रिया में, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। तो यहाँ पे मिलेगा हमें इनका हेडक्वार्टर। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये पड़ेगा वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी में। यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर के लिए हमें जाना होगा यहाँ से बहुत दूर अमेरिका, और ये यहाँ पे पड़ेगा न्यूयॉर्क में इनका हेडक्वार्टर। जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो ये यहाँ पे रहा, ये है यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर। यहाँ पे होती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग। इस रिपोर्ट के मुताबिक COVID-19 के दौरान लॉकडाउन प्रतिबंधों ने इंटरनेट के माध्यम से नारकोटिक्स की स्मगलिंग को बढ़ाया है। 2010 से लेकर के 2019 के बीच जनसंख्या वृद्धि के कारण नारकोटिक्स का यूज 22% तक बढ़ गया है, और 2020 में 275 मिलियन लोगों ने नारकोटिक्स का यूज़ किया, जबकि 36 मिलियन पीपल्स सफ़र कर रहे हैं ड्रग यूज डिसऑर्डर से। कैनवस यानी कि भांग, ज़्यादातर पीपल इसे हार्मफुल ड्रग नहीं मानते, जबकि ये एक बहुत ही पावरफुल और हार्मफुल ड्रग है। यूनाइटेड नेशन ने भी माना है कि ये काफ़ी पावरफुल और हार्मफुल ड्रग है, लेकिन ये काफ़ी चीप या सस्ता है और आसानी से मिल जाता है। खासकर भारत में काफ़ी आसानी से इसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका इस वजह से इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा कॉमनली होता है, और इसका नशा भी काफ़ी समय तक बना रहता है, इसलिए नॉर्मली इस ये प्रचलन में काफ़ी ज़्यादा रहता है। भांग में पाया जाने वाला साइको एक्टिव इंग्रेडिएंट डेल्टा 9 THC है, जिसका फुल फॉर्म है डेल्टा 9 टेट्राहाइड्रोकैनोबिनॉल। यही है जिसकी वजह से, या इसे कह सकते हैं कि ये इसका साइंटिफिक नाम है, जिसे हम आमतौर पर भांग कह देते हैं। और डेल्टा 9 THC लंबे समय तक मानसिक स्वास्थ्य विकारों के विकास के लिए उत्तरदायी होता है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रग मार्केट ट्रेंड में अभी कैनवस का काफ़ी ज़्यादा रोल है, काफ़ी ज़्यादा ये बिक रहा है। और इसमें बताया गया है पिछले 24 वर्षों में, 2019 तक की बात कर रहे हैं, 1995 से लेकर के 2019 तक में इनकी बिक्री में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई है, 4 गुना तक इनकी बिक्री बढ़ गई है। इसके अलावा हजार्डस ना मानने वाले पीपल्स की भी बढ़ोतरी हुई है, मतलब इसे हानिकारक नहीं मानने वालों की बढ़ोतरी हुई है, वो है 40%। 40% से ज़्यादा लोग ये सोचते हैं, अभी जो बढ़ोतरी हुई है वो ये मानते हैं कि ये हजार्डस नहीं है, ये हार्मफुल नहीं है। डार्क वेब पर बिकने वाली नारकोटिक्स की संख्या बढ़ी है। क्यों? जब कोविड 19 आया
कई जगह नारकोटिक्स बिकनी कम हो गई या तो उन पे प्रतिबंध लगा दिया गया, दुकानें बंद हो गई। इन लोगों ने दूसरा उपाय क्या ढूंढा, डार्क नेट से। इसमें क्या करते हैं, ये ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी के द्वारा इन्हें खरीदने और बेचने का काम करते हैं, और उसे डिटेक्ट कर पाना लगभग असंभव होता है। अगर सिर्फ एशिया की बात करें तो 2011 से लेकर के 2020 तक में यूनाइटेड नेशन के मुताबिक 19 ऐसी वेबसाइट हैं जिसमें नारकोटिक्स को बेचा जा रहा है, और ऑनलाइन बिक्री के कारण नारकोटिक्स की बिक्री बहुत ही आसान हो गई है, और इसका व्यापार सिर्फ और सिर्फ डार्क वेब पे या इंटरनेट के माध्यम से $315 मिलियन सालाना हो गई है। ये सिर्फ 2020 का आंकड़ा है। इसमें बढ़ोतरी लगातार 2011 से देखी जा रही थी, और अभी ये बढ़ करके $315 मिलियन तक। और यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो ड्रग है वो भांग ही है, भांग सबसे ज़्यादा यहाँ भी बेचा जा रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भारत में तो नॉर्मली मिल जाता है भांग, लेकिन ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, विदेशों में जो भांग बेचा जाता है, खासकर यूरोप में आज की डेट पे भांग का चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो वहाँ पर इस तरह से जैसे भारत में बिकती है उस प्रकार से नहीं भेजा जा सकता, इसलिए वहाँ पे थोड़ा सा सख्ती है। इस वजह से डार्क वेब पर इंटरनेट के माध्यम से ये सब बेचे जाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ये वाला चलन हो गया है। अगर सिर्फ बात करें कोकेन की, तो यूरोप में कोकेन की बिक्री काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। भांग के अलावा कोकेन भी यहाँ पे बिकने वाला सबसे ज़्यादा बिकने वाला ड्रग है। यहाँ पे ना सिर्फ कोकेन बढ़ रही है बल्कि उसकी क्वालिटी भी इंक्रीज की जा रही है। मतलब वायर जो है अच्छी क्वालिटी की कोकेन चाहता है। अब क्योंकि ये सारी की सारी अनलीगल चीज़ें हैं, तो क्रिमिनल ग्रुप्स भी बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है इन्हें बेचने का, प्योरिटी बढ़ाई जा रही है, और यूरोप लगातार कोकेन रिच होता जा रहा है। ड्रग डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो ये आंकड़े बहुत ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 2030 तक का आंकड़ा बताया गया है, 2021 से लेकर के 2030 तक में किस प्रकार से बढ़ने वाले हैं। तो अगर इसमें बताया ये गया है कि जो लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, 2030 तक 45% तक बढ़ जाएगा इनका, इनकी बिक्री और इनका यूज़, जबकि मिडिल इनकम कंट्री जैसे भारत जैसी कंट्री में 10% और हाई इनकम कंट्रीज में 1% तक इनकी बिक्री और इनका यूज़ बढ़ेगा। लेकिन लोअर इनकम कंट्रीज में इतना ज़्यादा बढ़ने से क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, इसके अलावा और ज़्यादा ये गरीब होते जाएंगे, इनके युवा काम करने में सक्षम नहीं होंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरे देश को सफ़र करना पड़ेगा, और ऐसे सारे देश और ज़्यादा गरीब होते जाएंगे। अगर बात की जाए पूरे विश्व की, तो 2030 तक एवरेज निकाला गया है 11% बढ़ने वाला है ड्रग यूज़, और सिर्फ अफ्रीका की बात करें तो 40% बढ़ने वाला है ड्रग यूज़ 2030 तक। ये आंकड़े वाकई चिंताजनक हैं, खासकर अफ्रीका के लिए। इसके अलावा जैसे जैसे इसका यूज़ बढ़ता जा रहा है, इनका कल्टीवेशन भी बढ़ता जा रहा है, लोग इसकी कृषि करने पर भी की ओर ध्यान दे रहे हैं, जिसके कारण स्मगलिंग और ज़्यादा बढ़ती जा रही, क्योंकि जब लोग इसका कल्टीवेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं बेचेंगे, और डायरेक्ट वो बेच नहीं सकते तो वो स्मगलिंग करेंगे, तो स्मगलिंग भी इस तरह से बढ़ती जा रही है। आखिर युवाओं में ड्रग यूज़ इतना ज़्यादा कैसे बढ़ता जा रहा है? 2019, 20 और 21 में इसकी रफ्तार और ज़्यादा तेज़ क्यों हो गई? इसका विशेष कारण COVID-19 को भी माना जा रहा है। COVID-19 के दौरान 100 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, और ना सिर्फ गरीबी असमानता में भी बढ़ोतरी देखी गई है। 2020 में दुनिया भर में 255 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए। दुनिया भर में मानसिक तनाव से पीड़ित लोगों की संख्या बढ़ी है, जिससे ड्रग यूज़ भी बढ़ा है। तो ये था आज का डिस्कशन वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट पर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवेज स्टडी।